कल जो हमने पढ़ा था इनकैप्सुलेशन था। अब इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है, थोड़ा मैंने आइडिया दिया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्शन। इसमें यह होता है कि कोई हम क्लास बनाते हैं किसी की फैसिलिटी के लिए, किसी को देने के लिए, उसमें कुछ कोड अधूरा छोड़ देते हैं, कुछ काम अधूरा छोड़ देते हैं कि ये काम हम नहीं कर रहे, ये यूजर करेगा। इसका बेनिफिट ये होता है कि मिसाल के तौर पर मैंने एक मेथड बनाया, सिर्फ उसको बनाया, उसकी कंप्लीट डेफिनेशन कुछ भी नहीं बताई मैंने, और एक प्रोग्राम में लगा दिया कि जब ये प्रोग्राम चलेगा वो मेथड चलेगा। वो मेथड करेगा क्या, मैंने ये कहीं नहीं बताया। जब आप यूज करोगे आप बताओगे ये मेथड क्या करेगा, जब प्रोग्राम चलेगा आप वो आपका काम परफॉर्म करेगा। ठीक है, जिस तरह से अगर यहां पे एक बटन है फ्रेम पे, उस बटन को जब हम क्लिक करते हैं तो पीछे एक मेथड चल रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता, जावा के अंदर कुछ भी नहीं करता, सिर्फ चल रहा होता है। आपको बताना पड़ता है कि वो क्या करे, जो आप बताते हैं फिर वो एक्शन परफॉर्म हो जाता है, वो चीज चल जाती है। तो जावा ने बटन के क्लिक पे जो मेथड लगाया है वो एब्स्ट्रैक्ट छोड़ा हुआ है। ठीक है, थोड़ा इसमें चेक करते हैं, फिर और एग्जांपल्स की एक दो देता हूं किसको हम रियल लाइफ में कहां का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक क्लास बनाते हैं हम कार, इसमें एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड स्टॉप के नाम से, पहले स्टॉप का मान लेते हैं। इसमें हम लिख देते हैं सिस्टम डॉट प्रिंट एन कार स्टॉप, पब्लिक वॉइड स्टार्ट भी बना देते, चले कार स्टार्टेड। ये दो मेथड बन गए कंप्लीट क्लास से। अभी ये कार दोनों काम कर रही है, स्टार्ट भी हो रही है स्टॉप भी हो रही है। अब इसमें हम अपनी कार में एक फैसिलिटी देते हैं न्यू, कि इसमें एक रेड कलर का बटन दे देते हैं स्टीयरिंग के पास, उसका एक मेथड बना देते, लेकिन वो करे क्या ये हम नहीं बता रहे। पब्लिक वॉइड पुश रेड बटन। ठीक है, अब कि जब मैं बॉडी स्टार्ट करता हूं, बॉडी की जगह पे टर्मिनेटर लगा दिया ना, अब इसकी बॉडी नहीं बताएगी करेगा क्या। अब जो भी इसको यूज करेगा उसको बताना पड़ेगा कि क्या करे। अब हर कोई इसको यूज कर सकता है, पूरी की उसको कार मिल जाएगी बनी बनाई, जो कि स्टॉप भी होगी स्टार्ट भी होगी, रेड बटन काम नहीं करेगा, वो बटन प्रेस होगा तो ये मेथड चल रहा होगा, लेकिन ये मेथड कुछ नहीं कर रहा है, ये मेथड वो कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब इसको करंटली इतना कंपाइल करते हैं, फिर बताता हूं मैं क्या इसमें एरर है, क्यों आ रहा है ये कार डॉट जावा। अब इसमें आ रहा है कि एरर मिसिंग बॉडी और डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट, कि आपने इसकी बॉडी डिफाइन नहीं की, आप इसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करो। तो जिसकी आप बॉडी डिफाइन नहीं करेंगे, मैं जावा को बताना पड़ता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहे हैं। तो इसके स्टार्ट में हम लगाएंगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, कीवर्ड हमेशा स्मॉल में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक वॉइड जो भी मेथड का नाम है, जरूरी नहीं है वॉइड हो, रिटर्न कर रहा हो भले, चाहे प्राइवेट हो प्रोटेक्टेड हो कुछ भी हो सकता है। अब इसको अब कंपाइल करेंगे, अब ये एरर देगा कि आपकी जो ये पूरी क्लास है ना, इसमें कोई भी एक चीज अधूरी है, तो ये क्लास पूरी नहीं हो सकती, आपकी क्लास भी अधूरी डिक्लेयर करो, आप उसको भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करो कि इस क्लास में कोई एक चीज अधूरी है, एक या एक से ज्यादा, तो हमें क्लास के नाम के पहले भी एब्स्ट्रैक्ट लगाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। सारे भी कर सकते, बिल्कुल, एक या एक से ज्यादा, सारे चाहे सारे कर सकते, सही। अब ये कंपाइल हो गई, ठीक है, तो ये हमारी बन गई एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसमें कुछ काम है और कुछ नहीं। क्लियर, अब पहले यूज करते हैं फिर और क्लियर हो जाए। इसको दूसरी फाइल में यूज कर लेते हैं, क्लास वर्क लेकिन स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एसटीआर।
अब देखें यहां समझिएगा ये किसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं, यहां पे कार सी इक्वल टू न्यू ऑफ का, सही है। अब जब मैं इसको कंपाइल करता हूं कार को, सॉरी वर्क को जिसमें ऑब्जेक्ट बन रहा है कार का, ये मुझे एरर देगा एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। अगर क्लास अधूरी होती है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ऑब्जेक्ट बनता है हमेशा पूरी चीज का, सही है। तो इसका ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनहेरिटेंस करनी पड़ेगी, एक अपनी खुद की क्लास बनाएंगे, उसको कार का चाइल्ड बनाएंगे और चाइल्ड ये मेथड पूरा करेगा, जो उसका अधूरा काम है वो पूरा करेगा, सही। इसको डाउन करते हैं, एक नई बनाते हैं हम यहां पे क्लास होंडा के नाम से एक्सटेंड्स कार। अब ये जो क्लास है मेरी, अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूं यहां पे, तब भी एरर आएगा क्योंकि इसने भी पूरा नहीं किया काम। ये कह रहा आपके पेरेंट ने काम अधूरा छोड़ा था, आपने पूरा नहीं किया, अभी भी अधूरा है वो, तो आपका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो इसको पूरा करो। अब इसमें मुझे उस मेथड को एज इट इज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के बगैर, क्योंकि अब मैं पूरा कर लू, पब्लिक वॉइड पुश रेड बटन, यहां पूरा करेंगे हम ओवरराइड करके, जब रेड बटन पुश हो बता दे आई एम डिजाइन बाय होंडा कंपनी, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं होंडा का, बन गया, यहां पे। अब इसके पास तीनों फैसिलिटी आ गई, मैं सी डॉट स्टार्ट, सी डॉट स्टॉप और सी डॉट पुश रेड बटन, तीनों चीजें चेक कर लेते हैं, तीनों काम हो रहा है, स्टार्टेड स्टॉप आई एम डिजाइन बाय होंडा का, सही। अब ये लाजमी हो गया उसको ओवरराइड करना, पहले जो हम ओवरराइड करते थे लाजमी नहीं था, वो इनहेरिट होकर आ रहा था, अब लाजमी हो गया कि जो भी इसको इनहेरिट करता है लाजमी ओवरराइड कर। दूसरे कोई कंपनी आती है वो कहते हैं हमें भी ये कार की फैसिलिटीज चाहिए, यहां पे एक्सट्रैक्ट्स कार, ये अपने हिसाब से ओवरराइड करेंगे, ये ओवरराइड नहीं करेंगे तो इनको भी कहेगा भी एक्सट्रैक्ट करो पुश राइट बटन, टोयोटा डिजाइन। अब वर्क के अंदर उसके मेथड बनाएंगे हम, टोयोटा के ये हिसाब से चलेगा। अब जो हमारी मेन क्लास है वो हमें दो फंक्शनलिटीज दे रही है, तीसरी उसने एब्स्ट्रैक्ट छोड़ दी, जो भी यूज कर रहा है होंडा और टोयोटा दोनों अपने हिसाब से उसको राइड कर रहे हैं, ओवरराइड कर, सही। तो ये एक मेथड है, एक से ज्यादा भी हम एब्स्ट्रैक्ट छोड़ सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट हम वहीं छोड़ते हैं जहां पे हमें कोई काम अधूरा छोड़ना जो यूजर करे, सही। बैंक अगर हम क्लास से किसी बैंक के लिए सिस्टम डिजाइन करते हैं तो बैंक के पास एक कैशियर की फैसिलिटी है, वो प्रॉपर हमें दे देगा, हर बैंक का कैशियर एक ही तरह काम करता है, हर बैंक में डिपॉजिट एक ही तरह होता है, हर बैंक में विड्रॉ एक ही तरह होता है, लेकिन जहां वो लॉकर का मेथड देगा
हर बैंक का लॉकर कोड अलग अलग होता है, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट छोड़ देगा कि अपने हिसाब से कंप्लीट करो आप। तो जहां ऐसी चीज जो यूजर को करनी हो वो एब्स्ट्रैक्ट छोड़ देगा। मतलब एक बैंक की एग्जाम्पल मैंने दी, आप अलग अलग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि टोयोटा की इन्होंने रेड बटन दिया हुआ, सही है, और हाँ यूनिवर्सल में हम देते हैं एब्स्ट्रैक्ट रख देते हैं, सही। तो इसमें मैंने एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट किया था, अगर आप इसमें दो करना चाहें एब्स्ट्रैक्ट इसको कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होगी। ये जो मैंने लिखा है एब्स्ट्रैक्ट और इसमें मैं यहां पे बॉडी भी दे दूं साथ, ये गलत है। एब्स्ट्रैक्ट है तो उसकी बॉडी नहीं होगी, एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल नहीं हो सकता, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। क्या मेथड जो है वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज हो जाता है या मेमोरी अपनी जगह बना लेता है, वो उसको ओवरराइड करना लाजमी नहीं है, सही। एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, देखें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कैन नॉट हैव अ बॉडी, जो मैंने यहां कर दिया था एक पब्लिक वर्ड, सही है। तो ये है एब्स्ट्रैक्ट की एग्जांपल एक, क्लियर, कोई कंफ्यूजन, सही। समझ आए, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा ये पढ़ाने के बाद, तो लॉजिकल है लेकिन समझिएगा, उससे आपकी बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएंगी, ठीक है। पहले इसका एक और टॉपिक कवर करवाऊं फिर करवाऊं। देखिए एब्स्ट्रैक्ट के अंदर कोई मेथड अधूरे हैं और कोई पूरे हैं। अब एक चीज हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस जो होता है उसके अंदर जितने मेथड होते हैं वो सब इनकम्प्लीट होते हैं, कोई भी मेथड बॉडी के साथ नहीं होता। इंटरफेस अगर आप अपने अंदर एक्सटेंड करते हैं, उससे चाइल्ड बनाते हैं, तो आपको उसके कंप्लीट मेथड्स को ओवरराइड करना लाजमी है, जितने भी मेथड। इंटरफेस बनाने के लिए तरीका हमारे पास यह है कि हम क्लास कीवर्ड नहीं लिखेंगे, अब इंटरफेस लिखेंगे, ठीक, और इंटरफेस का नाम कोई भी, माय इंटरफेस। इसका रूल वही है जो क्लास के नाम का रूल है, फर्स्ट लेटर कैपिटल और नंबर से स्टार्ट नहीं, अंडरस्कोर या कुछ नहीं। यहां हम देते हैं पब्लिक वाइड शो, इसकी बॉडी नहीं देंगे, चल गया। अगर मैं इसकी बॉडी यहां दे देता कुछ भी भले एम्प्टी ही, तो ये इंटरफेस मेथड्स कैन नॉट हैव बॉडी। इसके साथ आपको कोई एब्स्ट्रैक्ट वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं, ये होते ही एब्स्ट्रैक्ट है बॉडी। दूसरा मेथड आपके पास है पब्लिक वॉइड स्टार्ट, पब्लिक वॉइड स्टॉप, तीन मेथड तीनों एब्स्ट्रैक्ट। Thank you.
ये तीन मेथड मैंने इंटरफेस में बनाए। अब इसको हम यहां पे वर्क क्लास में यूज करते हैं। इस क्लास के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं पहले, एक दो और कौन कह रहा होगा, बाकी सब कह रहा होगा नहीं, नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट क्यों एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, एब्स्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनता है, तो इसमें तो सारे एब्स्ट्रैक्ट है, इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो ये वैसे ही एरर दे देगा आपको कि इंटरफेस इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, सही है, तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, वही इनहेरिटेंस करनी पड़ेगी जो पहले कर रहे थे। अब यहां पे इसको हम डाउन करते हैं, एक क्लास बनाते हैं चाइल्ड क्लास की, वही बनाते हैं, वही बनाते हैं। इसके अंदर अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे इस तरह से, तो ये एरर होगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी क्लासेस होती है ना, चाहे वो पूरी क्लास हो या अधूरी हो, उसका चाइल्ड बनता है, इंटरफेस के चाइल्ड नहीं बनता है। इंटरफेस में होती है इनहेरिटेंस, लेकिन चाइल्ड नहीं बनता है। इंटरफेस होता है जो चाइल्ड के या अपने जो उसके सब क्लास होती है उसके ऊपर इंप्लीमेंट होता है, एक रूल एंड रेगुलेशन होता है कि आपको ये तीन मेथड है ये लाजमी आप पूरे करो। जो क्लास होती है वो होती है पेरेंट, हाँ एक से ज्यादा कर सकते हैं, क्लास जो होती है वो होती है पेरेंट, जो कि लाजमी आपको उसका काम पूरा करना है अधूरा। इंटरफेस जो है वो है आपका टीचर या स्कूल, जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाते हैं जो आपको पूरे करने, सही है। तो जो आपका इंटरफेस है इसको हम कीवर्ड लगाते हैं इंप्लीमेंट्स। अभी आपका फाउंडर क्लास पे इंटरफेस इंप्लीमेंट हो गया, अब इस क्लास को लाजमी है कि तीनों मेथड ओवरराइड करेगा तब ये चलेगा, तब इसको डिग्री मिलेगी पास होने की, वरना नहीं। फाउंडर को कंपाइल करते हैं, ये कहते हैं भाई आपने एब्स्ट्रैक्ट डज नॉट ओवरराइड स्टॉप, या स्टॉप वाला जो है ओवरराइड करो पहले, तो ये तीनों पैरा देगा, अगर तीनों नहीं करेंगे हम तीनों को ओवरराइड करना पड़ेगा। पब्लिक वाइड शो शो पब्लिक वाइड स्टार्ट
Click void, stop. अब ये क्लास आपकी रन हो जाएगी होंडा क्लास. अब इसका ऑब्जेक्ट जब आप बनाएंगे यहां पे होंडा का, तो इसके पास तीनों मेथड ओवरराइड हो जाएंगे, स्टार्ट वाला भी, स्टॉप वाला भी और शो वाला भी. स्टार्ट वाला शो करते हैं, सॉरी वर्क वाली में बनाया, स्टार्ट सही. अब ये तीन मेथड है इसने बनाए हैं, ये बगैर इंटरफेस के भी बन सकते थे जब भी चलते. इंटरफेस ने उसको लाजमी कर दिया बनाना, लाजमी इसलिए किया है कि हो सकता है ये मेथड आगे कहीं यूज हो रहे हो बैक एंड पे, इसलिए सही है. तो ये आपका इंटरफेस है, एक्सटेंड जो है वो सिर्फ एक से ही होगा, पैरेंट एक ही होगा. इंप्लीमेंट मैंने एक से किया हमारा इंटरफेस, कॉमन आगे दूसरा इंटरफेस भी ले सकते, फिर जो दूसरे इंटरफेस है तो वो भी ओवरराइड करने पड़ेंगे, दोनों के ओवरराइड एक ही क्लास. तो ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस, क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो यूसेज में होगी अभी, क्योंकि यूसेज प्रॉपर अभी इसका होंडा क्रिएटर के मना थे तो वो इंटरफेस के लिए कॉमन वाला के अगर हमारे पास दूसरे भी उसमें होता इंटरफेस दूसरा होता उसके मेथड हम देते, अगर टोयोटा से प्रायोरिटी अलग क्लास होती, क्लियर? चेंज कर रहे हैं मतलब यहाँ पे आप वही वाले हम नहीं, डिस्टर्बेंस हो रही है, आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो, आप दो दो तीन तीन लाइनें एक साथ पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं मिक्सअप हो रही होगी चीजें, नहीं सी प्लस से आती होगी इसमें, है ना? ज्यादा इजी है सी प्लस से, वैसे तो देखा जाए इसमें ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज यूज हो रही है, कि मैंने पब्लिक वॉइड शो कर दिया, स्टार्ट कर दी, इसमें क्लास है, उसमें स्ट्रक्चर वगैरह पढ़े हुए हैं, फेसबुक भी अपना है, इसके व्हाट्सएप भी अपना है, सब अपना है, वो जावा भी अपनी चला, उसकी चाइनीज लैंग्वेज में हमारी दोस्ती भी अच्छी चल रही है, वहां जाके चाइनीज में सीख सकते हैं, यूनिवर्सिटी में चाइनीज लैंग्वेज सिखा रहा है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक चाइनीज सिखा रहा हूँ, तो एग्जाम्पल करवा के इसकी एक अच्छी सी एग्जाम्पल. अब इसमें अभी तक तो ये बेसिक हम कर रहे हैं, ठीक है, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट. देखिए डिफरेंस जैसे तो इतना है कि एब्स्ट्रैक्ट में हमारे पास कुछ चीज कंप्लीट हुई होगी, पेरेंट वो आधे काम करना पड़ता है, आधा होता है, इंटरफेस में कुछ भी काम नहीं हुआ होता, उसमें सारा मैं करता हूं. एब्स्ट्रैक्ट में इनहेरिटेंस हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है, इसमें इंप्लीमेंट हो सकता है, कहते हैं इसको भी इनहेरिटेंस है, लेकिन इंप्लीमेंट किसे वो एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, अगर हम मल्टीपल यहां पे एंटर कर देते हैं, हमें एक्सटेंड और इनहेरिटेंस करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट भी एक्सटेंड और इंप्लीमेंट दोनों साथ भी कर सकते हैं, ये पेरेंट्स एक्सटेंड कर रहे हैं और इंप्लीमेंट इंटरफेस से करना, इंप्लीमेंट जो होगा लास्ट वाला होगा या फिर सारे होंगे, इंप्लीमेंट सब होंगे, जो कॉमा देंगे तो सब होंगे, इंप्लीमेंट एक से ज्यादा हो जाएगा. तो इसके थोड़े एग्जांपल करते हैं वापस, इसकी मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा, तकरीबन अच्छी बात ही करवा सकते हो, ठीक है?
थोड़ी सही समझ आ जाएगी। एक हम क्लास बनाते हैं शेप क्लास, इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड ड्रॉ सर्किल। और ये सर्किल ड्रॉ करते हैं, इजी सिंपल क्लास है मेथड। इसी के अंदर और मेथड भी बना लेंगे, ड्रॉ सर्किल है, ड्रॉ रेक्टेंगल, ड्रॉ स्क्वायर। अब इस एग्जांपल को स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलता हूँ स्लोली, जहां कंफ्यूजन हो आप वहीं रोक के मुझसे क्वेश्चन कर लीजिए। सही क्लास शेप पब्लिक वॉइड ड्रॉ सर्किल। पब्लिक वाइड ड्रॉ रेक्टेंगल, इस क्लास में हमने दो फैसिलिटीज दी, ठीक। अब ये क्लास हम अपने यूजर को देते हैं, कोड नहीं दे रहे, सिर्फ क्लास दे रहे हैं, एक फैसिलिटी दे रहे हैं जिसमें दो चीजें बना सकते हैं। यूजर अपने पास को यूज करता है किस तरह से, क्लास यूजर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में शेप का ऑब्जेक्ट बनाएगा वो पहले, और ड्रॉ सर्किल, उसको सर्किल ड्रॉ करना है, सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। सही है, सिंपल मेथड कॉल कर लिया, इसको कंपाइल करते हैं। यूजर सर्किट ड्रॉ, अब ये कहता है मैं रेक्टेंगल भी ड्रॉ करना चाहता हूँ, रेक्टेंगल भी ड्रॉ हो जाएगा। सही है, अब शेप वाली जो सोर्स कोड है वो आपको पीछे जो नजर आ रही है ये वाली, ये हम डेस्कटॉप से ये कोड रिमूव कर देते हैं, रिसाइकल डिलीट डिलीट, सोर्स कोड खत्म, ये हमें मिला ही नहीं है, यूजर को सिर्फ क्लास फाइल मिली है, दोनों काम कर रहे हैं। अब जो यूजर है वो कहता है भाई मुझे स्क्वायर भी ड्रॉ करनी, जो मेरे पास प्रोग्राम है वो मुझे स्क्वायर की फैसिलिटी भी दे, तो अब कैसे करें, सोर्स कोड तो है नहीं हमारे पास, अब मैं कांटेक्ट करूंगा जिसने मुझे वो क्लास दी थी, अपने डेवलपर को, क्या मुझे एक और फैसिलिटी चाहिए आपसे कि स्क्वायर भी ड्रॉ करेगी, तो वो उसमें एडिटिंग करेगा फिर वो देगा मुझे। सही है, ऐसे ही होगा नॉर्मल तरीका जो है, पिछला सिर्फ सोर्स को डिलीट किया, क्लास फाइल मौजूद है, जो क्लास फाइल को रीड करता नहीं है, क्लास फाइल हम यूज करते हैं मौजूद है, डेवलपर को देंगे, डेवलपर उसको एडिट करे और हमें दे, हम क्या करेंगे यहां पे जो हमारे पास उसको रिप्लेस कर देंगे, सिंपल तरीका है। नहीं, क्लास फाइल एडिट नहीं हो सकती, सोर्स कोड हो सकता है, सोर्स को एड होकर फिर उसकी क्लास फाइल बनती है जब, इसलिए सेफ होती है, कोई एडिट कर नहीं सकता, वरना अपने नाम से बना के भेज देते वो इस तरह। सही है, अब कॉन्सेप्ट समझे आप। अब इसमें फर्ज करें कि जो शेप फाइल है ये कोई भी बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के हेडक्वार्टर में चल रही है, और उसकी सारी ब्रांचेस पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में उसके यूजर इंटरफेस को गेट कर रहे हैं और ड्रॉ कर रहे हैं, सर्कल रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं अपने पास, और ये काम रैपिडली हो रहा है, पता नहीं कितने कस्टमर आ रहे हैं, ये काम होता जा रहा है। जब मुझे स्क्वायर की फैसिलिटी चाहिए तो
तो शेप क्लास जब मैं डेवलपर से एडिट करवाऊंगा वो मुझे देगा। ये तो बहुत छोटी छोटी क्लासेस हैं, क्लास होती हैं बड़ी तकरीबन जीबीस में है, इसमें उसमें बनाएंगे पूरे पूरे सॉफ्टवेयर। जब मैं उसको डिलीट करके नया करूंगा इसमें कितना टाइम लगेगा? कम से कम भी 1 से 2 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो 2 मिनट तक मेरा पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, कोई यूज नहीं कर पाएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले उसको डिलीट करनी पड़ेगी, अनइंस्टॉल कंप्लीटली, फिर नया इंस्टॉल। तो ये प्रोसेस गलत हो गया, ये तो मेरा काम रुक जाएगा। कहीं ऐसी जगह पे सॉफ्टवेयर चल रहा हो वहां तो काम रुकेगा। आओ बस ये आ रहा हूं। इसकी दूसरी एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं, व्हाट्सएप आप लोग यूज कर रहे हैं, काफी टाइम से कर रहे होंगे। अब व्हाट्सएप पे नए फीचर अगर अप टू डेट है, एल्बम वगैरह भी आ गए, पहले वीडियो भी नहीं थी, वीडियो कॉल भी आ गई। तो वीडियो कॉल आई है तो आपका अपडेट आ जाती है। ऐसा तो नहीं होता कि वो कहता है आप पहले डिलीट करो और नया मैं दे रहा हूं वो इंस्टॉल करो। अगर ऐसा होता तो पूरे वर्ल्ड में जितने उनसे डिलीट करवाना पड़ता फिर नया देना पड़ता। तो ये काम गलत होता है। हम क्या करते हैं? अपडेट देते हैं उसको। तो ये अपडेट्स वगैरह हम किस तरह देते हैं ये हम इसमें देखते हैं। सही है? अब इसको थोड़ा सा हम टेक्निकल तरीके सीखेंगे, लेकिन इसको अब एक काम करते हैं, थोड़ा और डिफाइन कर देता हूँ। ये जो अपडेट देते हैं ना, ये ओवर हो गई, मैं इसको ओवर करके आ रहा हूँ, एक मिनट मुझे। नहीं अच्छा, चला फिर मैं वापस आके डिफाइन करता हूँ। Thank you.
सही है। हाँ, टाइम हो गया हमारा। अब इसमें जो ये अपडेट्स हम